Dear all, welcome to our YouTube portal Structure Strategy. This is Manish Kumar Das. So today I am going to discuss a new topic of module 2, that is moment of resistance, as you can see in my PDF. So module 2 ko start karna, moment of resistance kya hota, uska derivation kya hoga, aur bahut hi important topic hai ye WSM ka, hai na? So hum log start karte hain module 2, moment of resistance. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिए, जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे, रेक्टेंगुलर सेक्शन लिए जिसका विड्थ है बी, डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ है, दिस डेप्थ इज कॉल्ड ओवर ऑल डेप्थ, करेक्ट. और ये जो डेप्थ जो है ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, मतलब टोटल डेप्थ. यहां से देखिए ये टोटल डेप्थ, सेक्शन का टोटल डेप्थ है ना. लेकिन जब भी आप देखिए ये स्मॉल डी के बारे में, तो दिस डेप्थ इज कॉल्ड कौन सा डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ है ना, इफेक्टिव डी पी टी एच है ना, इफेक्टिव डेप्थ. इफेक्टिव डेप्थ का डेफिनेशन क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टॉप फाइबर टू द सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट. देखिए डिस्टेंस बिटवीन टॉप फाइबर टू द सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट मतलब ये है ना. ओके, अब हम क्या किए, एक डिस्टेंस को, एक डिस्टेंस, अच्छा ये दो पार्ट न्यूट्रल एक्स, ये जो हो गया, ये जो डॉट 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 लाइन दिख रहा है, ये डॉट डॉट लाइन जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस. ये जो है डॉट 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 लाइन, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस. और न्यूट्रल एक्सिस क्या करता है, दो जोन को सेपरेट करता है. तो ये हो गया कंप्रेशन जोन और ये हो गया टेंसाइल जोन, है ना. तो अब आपको क्या पता है, कंप्रेशन जोन का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, और टोटल डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्स तक दी है, तो ये क्या हो जाए, डी माइनस एक्स होगा. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा. यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स, है ना. अब हम लोग क्या किए, स्ट्रेस डायग्राम को ड्रॉ कर दिए, लाइक दिस स्ट्रेस डायग्राम को ड्रॉ कर दिए, है ना, करेक्ट. अब क्या है, स्ट्रेस डायग्राम में ये सिग्मा सीबीसी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, बिकॉज ये कंप्रेशन जोन था, और दिस सिग्मा एस टी बाई एम इज टेंसाइल जोन के कारण, ये यहाँ पे सिग्मा एस टी बाई एम. अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर एम यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज एम इज द मॉड्यूलर रेशियो, और एम क्या होता था, सिग्मा एस टी बाई सिग्मा सी बी सी. अगर आप सिग्मा सी बी सी को इक्विवेलेंट करें सिग्मा एस टी बाई एम के टर्म में, तो क्या हो जाए, सिग्मा एस टी बाई एम होगा कि नहीं होगा यहाँ से इस इक्वेशन से. सो वी कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एस टी बाई एम. अब आपको क्या पता है कि टोटल एरिया यहाँ पे जो ये जो जनरेट हो रहा है, ये जो जनरेट हो रहा है, और इधर सॉरी ये जो जनरेट हो रहा है, इसको हम लोग टोटल एरिया को सी ले लिया, और इस टोटल एरिया को टेंशन ले लिया. तो ये दोनों जो है, ये दोनों कोरस्पॉन्ड होकर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अभी फोर्स निकाल रहे हैं ना. फोर्स मतलब कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है उस सिस्टम, मतलब स्ट्रेस डायग्राम के कारण, राइट. अब आप देखिए सी क्या हो गया, सी मतलब इस जोन में क्या है, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है. तो ट्राइंगल होने के कारण क्या, वन बाई टू इंटू बेस, बेस मेरा क्या है ना, सिग्मा सी बी सी इंटू एरिया. अब आप देखो एवरेज हम लोग कर लिए, है ना, एवरेज हम लोग कर लिए. अब आपको देखना है कि ये जो है, ये हमको क्या दे रहा है, हमको निकालना कि ये फोर्स निकालना है ना, और इसका क्या होता है, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज नथिंग, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, एफ बाई ए होता है ना, होता है. तो अब आपको क्या पता चल गया, ये सिग्मा सी बी सी, ये फोर्स स्ट्रेस हो गया, इसमें एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एरिया क्या हो गया इसका, इतना जोन का, देखिए बी इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा, तो बी इंटू एक्स. सो हाउ मच इट इज, वन बाई टू सिग्मा सी बी सी बी इंटू एक्स, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके गुड. नेक्स्ट इज टेंसाइल जोन, टेंसाइल फोर्स कितना हो गया, तो आपको एरिया यहाँ पे पता है, और स्ट्रेस हमको पता है सिग्मा एस टी बाई एम, और हमको एरिया पता है ए एस टी. अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे सिग्मा एस टी बाई एम इंटू ए एस टी हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट सिग्मा एस टी बाई एम, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी लिखे, ये कैसे पॉसिबल है. फिर से हम लोग एक बार मॉड्यूलर रेशियो को समझते हैं, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ये इतना आना चाहिए. हम लोग मॉड्यूलर रेशियो के लिए कलर चेंज कर देंगे, ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो, है ना. अब आप देखो मॉड्यूलर रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, एम इक्वल्स टू सिग्मा एस टी बाई सिग्मा सी बी सी, और अगर इसको एरिया के टर्म में करते तो ये क्या हो जाता, अगर एरिया के टर्म में कर, अच्छा एरिया के टर्म में कर देते तो ये हो जाता ए सी बाय ए एस टी, होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता. अब जब ही आप इस तरह से लिखोगे, इस तरह से करोगे, तो ये क्या हो जाएगा. अब आप देखो टी निकालना है अगर आपको, तो सिग्मा एस टी बाई एम, है ना,
ये होगा ना, ये एम इधर आएगा, अभी आप देखे हैं यहाँ पे ये जो वैल्यू जो है ना, सिग्मा एस टी बाई एम हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है ए से। तो अगर इसको हम लोग इक्वेट करेंगे ए एस टी के टर्म में, इक्विवेलेंट करेंगे, तो ये क्या हो जाए, एम ए एस टी होगा कि नहीं होगा, और ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो बचेगा क्या मेरा, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, बचेगा क्या मेरा, सिग्मा एस टी बाय सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, राइट। अब आपको क्या करना है, अब हम लोग डेफिनेशन। अच्छा एक और चीज, अभी आप लोग ये सब समझ लिए, ये निकल गया ये निकल गया, अब मेरा क्या हो रहा है, ए ए को हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म। लीवर आर्म मतलब कितना पे टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है ना, फॉर फाइंडिंग आउट मोमेंट। तो ए इक्वल्स टू डी, मतलब टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, डी है। डी में से ये ट्रायंगल का जो होता है सी जी, आपको पता है कि एल बाई थ्री होता है, तो टोटल एक्स है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो एक्स बाई थ्री, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया डी, डी माइनस एक्स बाई थ्री, बिकॉज ये डिस्टेंस जो है छूट रहा है ना, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड, एज देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम एंड द सेक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, सो टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल टेंसाइल फोर्स। हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच में इसको समझेंगे, ये क्या बोल रहा है, मतलब सी इक्वल्स टू क्या हो गया, टी हो गया है ना। अब आपको क्या बोल रहा है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स। अब ये दोनों फोर्स क्या हो रहा है, ये दोनों फोर्स आप देखिएगा, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर है ना। टी इधर है और टी इधर है और सी क्या है, इधर है ना, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अब क्या हो गया, अब हो गया टी इस डायरेक्शन में और सी इस डायरेक्शन में, मतलब इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, राइट। तब क्या हो गया, इसमें क्या बोला कि दीज टू फोर्सेस यहाँ पे विच इज इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो रहा है, वो डिस्टेंस क्या था, वो डिस्टेंस क्या था आपका, ए था। देखिए ए डिस्टेंस से ये सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही डिस्टेंस से सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये लीवर आर्म डिस्टेंस से। ओके अब क्या हो गया, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस विच फॉर्म अ कपल, एक कपल फॉर्म कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा हैविंग सम डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का ये है, तो ये कैसे मूवमेंट करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कपल एक फॉर्म करेगा है ना, कपल फॉर्म करेगा, कपल एंड द मोमेंट ऑफ दिस कपल इज इक्वल्स टू, एंड द मोमेंट ऑफ दिस कपल इज इक्वल्स टू द रेजिस्टिंग मोमेंट, और इट इज नोन एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, करेक्ट करेक्ट। सो सी इक्वल्स टू टी, सी इक्वल्स टू टी हम लोग कर दिए। अब आपको पता है कि ये जो कंप्रेसिव फोर्स है, ये जो कंप्रेसिव फोर्स है, ये कितना डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, एट अ डिस्टेंस एक्स बाई थ्री फ्रॉम टॉप, समझ में आ रही बात, एक्स बाई थ्री फ्रॉम टॉप, और ये जो टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है ना, टेंसाइल फोर्स यहाँ पे, दैट इज सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी विच एक्ट्स एट द सेंट्रॉइड ऑफ द स्टील रिइंफोर्समेंट। अब आप देखिए कहाँ पे एक्ट हो रहा है, कहाँ पे एक्ट हो रहा है, सेंट्रॉइड पे एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहीं पे ना एक्ट हो रहा है, ये टी सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, ठीक है। ओके सो अब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता है, अब इस सी को अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसके अबाउट मोमेंट निकल जाएगा, और इस टी को अगर ए के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर दे, ए के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको मोमेंट यहाँ पे निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, बहुत ईजी है। ओके सो आप देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सी इंटू ए, मतलब कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, दैट इज 1/2 इंटू सिग्मा सी बी सी बी इंटू एक्स, और ये ए का वैल्यू है, दिस वैल्यू सिग्निफाइज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज ए क्या हो गया, लीवर आर्म है ना। और सिमिलरली सिग्मा एस टी, मतलब टेंसाइल के लिए अगर लेंगे मोमेंट जनरेट कितना होगा, तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स बाई थ्री, करेक्ट। अब आपको एक चीज पता है, एक चीज पता है कि एक्स इक्वल्स टू क्या होता था, के डी होता था, हम लोग न्यूट्रल एक्सिस जब लोग निकाल रहे थे, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं दिखा दे रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू क्या होता था, के डी होता था कि नहीं होता था, देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू कितना हो रहा था, के डी हो रहा था, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही के डी को हम लोग ले लिए,
और वही के डी को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, सब्स्टिट्यूट किए तो अब क्या हो गया, एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम लोग क्या किए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग के डी पुट किए, और यहाँ पे भी एक्स है तो यहाँ पे भी हम लोग के डी पुट किए। के डी पुट किए तो अब आप देखिए अंदर में डी डी कॉमन है, अंदर में डी कॉमन है तो डी को हम लोग बाहर ले लिए, और यहाँ भी डी है तो डी स्क्वायर हो गया, और के यहाँ पे ऑलरेडी ये जो के है ये यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा, 1 - k/3। गॉट इट? अब मेरा इक्वेशन क्या हो गया, अब मेरा इक्वेशन हो गया 1/2, ये इक्वेशन मैं बोल रहा हूँ, 1/2 सिग्मा सी बी सी के जे डॉट बी डी स्क्वायर है ना। अब के तो आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर होता है, और जे क्या हो गया, जे इक्वल्स टू क्या किया, 1 - k/3 कर दिया, 1 - k/3, इसी इसी को हम लोग जे बोलते हैं, और यही जे मेरा क्या हो गया, लीवर आर्म क्या हो गया, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, ये जो जे जो है, और ये जे का वैल्यू क्या है, 1 - k/3। तो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया है ना, निकल गया, क्या निकला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/2 सिग्मा सी बी सी के जे डॉट बी डी स्क्वायर। अब अगर इसको हम चूंकि कांस्टेंट वाला पार्ट को अलग कर दे, तो हम इसको लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर इंटू बी डी स्क्वायर, वेयर आर इज नथिंग, दिस इज 1/2 सिग्मा सी बी सी के इंटू जे, दैट इज फिक्स्ड नॉट वेरिएबल है ना, नॉट वेरिएबल। तो अब मेरा क्या हो गया इक्वेशन, आर इंटू बी इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वेयर आर इज 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू जे। अगले वीडियोस में हम लोग न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग डबली रिइंफोर्स्ड में प्रोसीड करेंगे। अगले दिन का जो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसका लेंथ थोड़ा बढ़ेगा, 20 मिनट से एक्सीड होगा, बिकॉज उसमें हम लोग 4 सम करने वाले हैं डिफरेंट अप्रोच को लेके, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल स्ट्रक्चर सारी जी, थैंक यू सो मच।